सोलन को नगर निगम बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की ढील और इच्छा शक्ति की कमी की वजह से सोलन नगर निगम नहीं बन पाया, लेकिन अब भाजपा के सभी कार्यकर्ता नगर परिषद के पदाधिकारी मिलकर जोर लगा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही सोलन को नगर निगम का दर्जा दिलवाया जाएगा ताकि सोलन का चहुंमुखी विकास हो सके और विकास के लिए किसी भी तरह के धन की कमी आड़े नहीं आए। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार और सोलन नगर परिषद के बीच सेतु का काम कर रहे हैं और अगर सांसद वीरेंद्र कश्यप इस मांग को पूरा करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो आने वाले चुनावों में भाजपा का भरपूर फायदा हो सकता है। अधिक जानकारी देते हुए सांसद वीरेंद्र कश्यप ने बताया कि पिछले काफी समय से सोलन को नगर निगम बनाने की मांग है और भाजपा ने सोलन की जनता को यह वायदा किया है कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही सोलन को नगर निगम बनाया जाएगा। इसलिए आज वे सभी नगर परिषद प्रतिनिधियों, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं और उन्हें सोलन को नगर निगम बनाने के लिए निवेदन करेंगे और उन्होंने उम्मीद जताई कि नगर निगम बनने की प्रक्रिया जल्द आरंभ की जाएगी। एक बड़ी बात जो है वो काफी दिनों से चल रही है, सोलन को जो हमारी म्यूनिसिपल काउंसिल है, नगर पालिका है, उसको उसका दर्जा जो है अपग्रेड किया जाए, उसको निगम में परिवर्तित की जाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जो है सहमति जताई है। हमारा यहाँ का जो लोकल यूनिट है या पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव थे इस इशू को लेकर जो है वो हमने कहा था कि सरकार बनेगी तो हम डेफिनेटली ये जो म्यूनिसिपल काउंसिल है इसका दर्जा निगम में परिवर्तित करेंगे। आज कुछ हमारे जो यहाँ के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, काउंसलर हैं, कुछ हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं और ये एक डिमांड जो है, यहाँ की मांग काफ़ी दिनों से चल रही है और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कमिटेड है। आने वाले दिनों में हम इसका निगम जो है इसका बनाने वाले हैं।